अबे देखो यार, हमारे गेम में फाइनली वो भी 38 का अपडेट आ चुका है। इस अपडेट में ना हमारे गेम में ना टोटली 7 करेक्टर्स के स्किल में एडजस्टमेंट्स की गई है। एंड इनमें से जो 2 करेक्टर है ना, इनके स्किल को ना पहले से बहुत ही ज्यादा बदल दिया गया है। एंड इसके अलावा जो बाकी 5 करेक्टर्स है ना, उनमें से कुछ के करेक्टर्स की एबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा मजबूत किया गया है, एंड वही कुछ के करेक्टर्स की एबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा कमजोर किया गया है। तो अगर आप इन सभी 7 करेक्टर्स की स्किल के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हो ना कि क्या क्या चेंजेस की गई है इनकी स्किल में, तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो इसे 1 लाख जरूर कर देना यार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके यार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन दोनों करेक्टर्स के बारे में जिनकी स्किल में यहाँ पर छेड़खानी की गई, यानी कि उनकी स्किल को ना यहाँ पर थोड़ा रिवर किया गया, पहले से उनका स्किल थोड़ा बदल दिया गया है। तो ये जो दोनों करेक्टर्स है ना, वो है स्काइलर और केंटा। तो यार सबसे पहले बात करें स्काइलर की स्किल के बारे में, तो इस अपडेट से पहले जब भी हमें किसी भी एनिमी का ग्लोअर हटाना होता था ना, तो उस एनिमी के ऊपर हम स्काइलर का स्किल यूज कर लेते। उसके बाद स्काइलर का जो सोनिक वेव है ना, वो एनिमीज के ग्लोअर को पलक झपकते ही हटा देता था। एंड इसके बाद ग्लोअर के पीछे जो भी एनिमी होता था ना, वो काफी इजिली हमारे सामने एक्सपोज हो जाता था। उसके बाद हम काफी इजिली उसे मार देते थे। एंड देखो जब ऐसा होता है ना, तो जो भी एनिमी ग्लोअर के पीछे होता है ना, वो काफी डिसएडवांटेज में चला जाता है स्कालर के सामने। स्कालर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। तो इस अपडेट में ना स्कालर की एबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा बैलेंस किया गया है। अभी के टाइम जब आप स्कालर का यूज करोगे ना, तो इसकी स्किल से सामने वाले ग्लोअर से एक ही झटके में नहीं हटेंगे। सबसे पहले सामने वाला जो पहला ग्लोअर होगा ना, वो हटेगा। एंड उसके बाद जितनी भी सारे ग्लोअर्स होगी ना उस एरिया में, वो सारी की सारी ग्लोअर्स यहाँ पर अपने आप हट जाने वाली है। जैसे कि अभी क्रोजन ग्रेनेड से होता है ना, जब आप क्रोजन ग्रेनेड को फेंकते हो तो उस एरिया में जितनी भी सारी ग्लोअर्स होती है ना, वो अपने आप हट जाती है। तो अभी से इस अपडेट के बाद ऐसा ही होने वाला है। बस एनिमीज को ना यहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिएक्ट करने के लिए, जैसे कि अगर उनके पास कोई कवर होगा ना, तो जल्दी से वो कवर में जा सकते हैं। बट इसी के साथ इस अपडेट में गरीना ने स्कालर के साथ एक बहुत ही ज्यादा बुरी चीज की है। अभी के टाइम देखो, स्कालर में आपको दो दो स्किल्स मिलती थी। पहला तो ग्लोअ हट जाता था, एंड दूसरा जब भी आप ग्लोअ लगाते थे ना, तो आपको एचपी मिल जाती थी। लेकिन इस अपडेट के बाद जब आप ग्लोअ लगाओगे ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा भी एचपी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आप यहाँ पे ग्लोअ को तोड़ पाओगे, आपका यहाँ पे थोड़ा भी एचपी रिकवर नहीं होगा। अब इसके बाद बात करें केंटा के स्किल के बारे में, तो देखो इस अपडेट से पहले जब भी कोई बंदा केंटा का स्किल यूज करता था ना, तो उसके सामने ना एक शील्ड आ जाता था। जैसे कि अगर सामने वाला बंदा आपके ऊपर फायर करता था ना, तो आपको वहाँ पे 50% कम डैमेज पड़ता था, जो कि आपको क्लोजर में फाट लेते ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट वहाँ पर ना इस करेक्टर में एक प्रॉब्लम थी, एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी आप वापस एनिमी के ऊपर फायर करते थे ना, तो आपका शील्ड तुरंत गायब हो जाता था, जिसकी वजह से काफी लोग केंटा का यूज नहीं करते थे। बट यार इस अपडेट में ना केंटा को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है। जब आप यहाँ पे केंटा का यूज करोगे ना इस अपडेट के बाद, जो आपका शील्ड बनता है ना वहाँ पर, ये शील्ड ना आप फायर करने के बाद गायब नहीं होगा। लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर वापस फायर कर रहे होगे ना, तो ये शील्ड का जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है ना डैमेज का, वो यहाँ पे 50% से 10% हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं उन 5 करेक्टर्स की स्किल के बारे में, जिनमें से कुछ को यहाँ पर बफ दिया गया, यानी कि कुछ को स्ट्रॉन्ग किया गया, एंड कुछ को यहाँ पर नर्फ किया गया, यानी कि कुछ की एबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा कमजोर किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला करेक्टर है ना, वो है तात्सुया करेक्टर। तात्सुया करेक्टर का जो स्किल है ना, ये रशिंग करते टाइम बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप तात्सुया करेक्टर का स्किल यूज करते हो ना, तो आप 0.5 सेकंड तक ना बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ते हो। एंड अगर सामने कोई एनिमी होता है ना, तो आप काफी इजिली उसके पास पहुंच जाएगा, एंड उसको पता भी नहीं चलेगा यार कि ये बंदा मेरे पास कहाँ से आया है। एंड ये वाला जो करेक्टर है ना, ये सीएस मोड के लिए काफी ज्यादा बढ़िया करेक्टर है, लेकिन फिर भी इसे काफी लोग यूज नहीं करते थे। एंड इसका यूज ना करने का जो मेन रीजन है ना, वो है इस करेक्टर का कूलडाउन का टाइम। इस करेक्टर का जो कूलडाउन का टाइम है ना, वो बहुत ही ज्यादा था, 120 सेकंड का था, यानी कि आपको यहाँ पर 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा जो आप यहाँ पे इस करेक्टर का स्किल यूज कर लोगे एक बार। तो इस अपडेट में अगेन गरीना ने इस चीज पे ध्यान दिया है। एंड इस अपडेट में इस करेक्टर का जो कोलडाउन का टाइम है ना, इसे बहुत ही ज्यादा कम करके सिर्फ 60 सेकंड कर दिया गया है, यानी कि इसका जो कोलडाउन का टाइम है ना, इसे पहले से पूरा हाफ कर दिया गया है। तो समझ सकते हो यार कि इस चीज से ये करेक्टर कितना ज्यादा तगड़ा हो गया है। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपके पास ये तात्सुया करेक्टर है ना, तो इस अपडेट के बाद आप इसका यूज करने वाले हो या नहीं। अभी जो हमारा अगला करेक्टर है ना, वो फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पैसिव करेक्टर है, एंड ये करेक्टर है हयाटो। हयाटो आपको क्लोजर में फाइट देते टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास हयाटो करेक्टर होता है, एंड वहाँ पर अगर आप डैमेज हो जाते हो ना, तो उसके बाद जो आप एनिमी के ऊपर फायर करते, तो उस एनिमी को ना यहाँ पर 7.5% ज्यादा डैमेज पड़ता था, जिससे कि हम काफी इजिली सामने वाले एनिमीज को हयाटो की मदद से नॉक कर देते थे। बट इस अपडेट में भी देखकर इस हयाटो का स्किल और भी ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। काफी सारे अपडेट में इसका स्किल कमजोर किया गया है। पता नहीं यार गरीना ऐसा क्यों करती है। अब इस अपडेट के बाद जो आपको यहाँ पे थोड़ा डैमेज मिल जाता था ना, तो उसके बाद जो आपका आरओए पेनेट्रेशन बढ़ता था ना, वो यहाँ पे सिर्फ 5% बढ़ेगा। पहले हमारा 7.5% बढ़ता था, लेकिन इस अपडेट में ये सिर्फ 5% बढ़ेगा। एंड इसी के साथ हयाटो में एक और स्किल थी कि अगर आपको सामने से कोई बंदा डैमेज करता था ना, तो आपको वहाँ पे 3.5% कम फ्रंटल डैमेज पड़ेगा। एंड इस अपडेट में इस फ्रंटल डैमेज रिडक्शन को 3.5% से सिर्फ 3% कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, हयाटो की इस अपडेट में बहुत ही बुरी तरह से बैन बच चुकी है। पता नहीं यार इस अपडेट के बाद इसे कोई यूज करेगा भी या नहीं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट करेक्टर है, वो है आयरिस। आयरिस की स्किल के बारे में आपको पता ही होगा कि जब भी आप आयरिस का स्किल यूज करते हो ना, तो अगर ग्लोअर के पीछे कोई बंदा होता है ना, तो आयरिस की मदद से ना आप उसे ग्लोअर के आर पार मार सकते हो। एंड इसी के साथ अगर एनिमी ग्लोअर के पीछे नहीं भी होता है, वो किसी कवर के पीछे जाके छुपा होता है ना, तो जब भी आप सामने वाले ग्लोअर के ऊपर फायर करोगे ना, तो वो बंदा चाहे किसी भी कवर के पीछे क्यों ना छुपा हो, उसका लोकेशन आपको पता चल जाता था। बट यहाँ पर अगेन इसका स्किल का जो ड्यूरेशन था ना, वो
काफी ज्यादा कम था। तो इस अपडेट में यारिस का जो स्किल का ड्यूरेशन है ना, इसे बढ़ा के 10 सेकंड तक कर दिया गया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला कैरेक्टर है ना, ये सीएस मोड में काफी ज्यादा यूज किया जाता है एंड इस कैरेक्टर का नाम है जेबीब्स। जेबीब्स की एबिलिटी के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास ईपी होता है ना, तो वहाँ पर अगर आपको कोई बंदा डैमेज करता है ना, तो आपको वहाँ पे 15% कम डैमेज पड़ता है, जिसकी वजह से अगर सामने वाले एनिमीज के पास MI-87 होता है ना, तो आपको वो बंदा ना MI-87 की दो गोली से खत्म नहीं कर पाएगा। आपको मारने के लिए ना एनिमीज को मिनिमम 3 गोली की जरूरत पड़ जाती थी एंड इस चीज से ना जो भी बंदे जेबीब्स कैरेक्टर का यूज करते थे ना, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता था। तो इस अपडेट में गरेना ने इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा नर्फ किया, यानी कि इस कैरेक्टर की एबिलिटी को थोड़ा कमजोर कर दिया गया है। अब से जो आप जेबीब्स कैरेक्टर का यूज करोगे ना, तो ये कैरेक्टर ना 15% के जगह पे सिर्फ 12% का डैमेज ब्लॉक करेगा। बट यार सच बताऊं तो अगर 12% का भी डैमेज ब्लॉक कर देते ना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है यार, खासकर सीएस मोड में। अब आज के वीडियो की जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है वो है लियोन कैरेक्टर एंड देखो इस अपडेट में ना लियोन कैरेक्टर की स्किल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है। इस अपडेट के पहले जब आप लियोन कैरेक्टर का यूज करते थे ना, तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी डैमेज पड़ जाता था ना, तो आप 6 सेकंड के अंदर ना आपको वहाँ पे 30 HP मिल जाता था। बट यार अब से जो आप लियोन कैरेक्टर का यूज करोगे ना, तो जब आप वहाँ पे डैमेज हो जाते ना, तो उसके बाद आपको ना यहाँ पे 30 के बजाय टोटल 60 HP मिलने वाली है, यानी कि आपको यहाँ पे डबल HP मिलने वाला है। बट इसके बावजूद देखिए यार 60 HP ना बहुत ज्यादा होता है। बट यार यहाँ पर जो आपको टोटल 60 HP मिलेगा ना, वो आपको 4 HP पर सेकंड से मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 60 HP मिलने में ना टोटल 15 सेकंड का टाइम लग जाएगा। एंड इसकी वजह से ना इस अपडेट के बाद ना लियोन वन ऑफ द बेस्ट पैसिव कैरेक्टर बन गया है। एंड इस नए वाले सीएस रैंक के सीजन में जब मैं रैंक पुश करूंगा ना, तो इस कैरेक्टर का मैं जरूर से यूज करने वाला हूँ। तो यार इस अपडेट में जिन जिन कैरेक्टर की स्किल में एडजस्टमेंट हुए थे ना, इनके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे 1 लाख जरूर कर देना।